अच्छा, मैं आपको ओपन एआई के हवाले से बता रहा था। जैसे ये चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी तो ज़्यादातर यहाँ हमें बिजी ही मिलता है, वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। इन्हीं का एक सॉफ्टवेयर है DALL-E2, वेबसाइट है, ठीक है, ये ओपन एआई वालों की। एआई होती है असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर को कोई चीज़ खुद सोचना सिखा दो, कंप्यूटर को कोई चीज़ खुद करना सिखा दो। इससे क्या है, आपका आपकी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। देखो अब ये क्या करता है, आपको मैंने लोगो दिए थे, बहुत सारा काम दिया था। यहाँ पर आते हैं, हम लॉग इन करते हैं। चेकिंग योर ब्राउजर, और ठीक है भाई, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन नंबर क्या है भाई, सेंड विया कोड वेरीफाई करना पड़ेगा। नहीं, ये तो सुफा का नंबर चाहिए होगा, ये तो प्रॉब्लम है यार, ये बड़ा अजाब है। आप बताओ। अच्छा ये अभी दे दिए, कभी कभार ये नंबर देता है, कभी कभार नहीं देता। थोड़ी देर पहले मैंने ओपन किया था, तब नहीं दिया इसने किसी। चलो अपना अकाउंट बता दो, सुभान शाह पे ही ओपन करते हैं। बोलो सुभान, SUBHAN, सुभान SHAH शाह डॉट SCE। बस पासवर्ड बताओ। नहीं, हम नहीं देखते, हम सिर्फ शो पासवर्ड करेंगे बस। क्या पासवर्ड है? शाह 786786। ठीक है, इनको नहीं बताएंगे, बेफिक्र हो जाओ बेटा। किसी का पासवर्ड सुनना अच्छी बात नहीं होता है। जैसे इसने बताया मुझे शाह 786786, तो ऐसे पासवर्ड मेरे पास इसका सेव है, आप लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? DALL-E2। ज़रा यहाँ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी इससे और आसान करते हैं। इसको चीज़ें दे दो, बता दो, जो करना है वो आपको ऑन द स्पॉट करके दे देगा। ये गूगल अकाउंट से भाई आपको क्या हो गया, सुभान शाह वाले अकाउंट से? जी बिल्कुल, अभी ओपन किया है। मोबाइल पास है ना? देखो अगर नंबर दे तो बताओ। 3 10 8 8 5 6 8 1 0 कोड अभी आएगा आपके पास, किसी आएगा आएगा, 3 2 1 करके आता होगा। चल भाई जाओ, मैसेज खोलो, मैसेज वाली जगह रिसेंड करो। सोफा वाले को यहाँ स्टॉप करते हैं और साथ में हम ये भी खोलते हैं विन वर्ड। कहाँ से आते हैं ये लोग? नहीं, वो ये तो फटाफट देते हैं ऑन द स्पॉट भाई। यही नंबर था, नंबर कंफर्म सही था? बताओ। 3 10 8 5 6 8 1 0 यही था पहले, ये नहीं था? चेक करो भाई। इसी के पास आएगा, आपके पास थोड़ी आएगा। यहाँ जब भी चैट जीपीटी या ये खोलो, पंचायत ही होती है। ये क्या है, कौन सी फाइल ओपन है? ठीक है भाई, मैंने रैंडम
100 पैराग्राफ बना लिए, इनके ऊपर हम काम करेंगे, देखेंगे, ओवरव्यू करना है हमने ज़्यादा से ज़्यादा आज वर्ड का, और कल के दिन में 2 दिन में हम वर्ड को पूरा ओवरव्यू देख लेंगे। जो जो मेजर चीज़ें हैं, जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। कुछ हैं जो हमने उसमें नहीं देखे, कहाँ पर, GCF ग्लोबल के कोर्स के अंदर, ठीक है। उससे अच्छा भी हो सकता है हम देख लेते हैं जो जो चीज़ें हमारे पास बाकी हैं। कोड आ गया तो आप बता देना, कोड नहीं आ रहा, अरे यार छोड़ो, इससे इतनी देर में तो मैं अपना अकाउंट खोल के चला भी लेता। यस, अब मेरे वाले पे कोड आएगा। ओहो, कोड हट गया, इतनी दफा ओपन किया मैंने। डाल E2, डाल E2 पे जाएंगे सीधे सीधे, लॉगिन पे जाता हूँ। यस, आई एम बिलाल सिद्दीक। ऑथराइज्ड, साइन अप अकाउंट बनाने के लिए होता है, लॉगिन का मतलब वो जो आप बना चुके हैं अब उसको लॉगिन करोगे। आ गया, मेरे पास तो डायरेक्ट चल रहा है। अमेजिंग चीज़ है भाई, अमेजिंग चीज़। जैसे चैट GPT भी आपने देखा है, नहीं देखा, वहाँ चैट GPT भी देखा, चैट GPT भी बताऊँगा। चैट GPT की तरह ये भी है, उन्हीं का है, लेकिन ये ग्राफिक्स के लिए, इसको जो पिक्चर हम बोलेंगे ना वैसे ये बना के दे देगा पिक्चर। बिल फर्स्ट, कोई अपना ब्रांड का नाम बताए, हाँ स्पेलिंग बताओ, RAAX, मेक अ लोगो ऑफ वर्ड आर, एक मेक अ ब्रांड, मेक अ ब्रांड लोगो ऑफ ब्रांड, मेक अ ब्रांड लोगो ऑफ, क्या नाम है भाई, RAAX रॉक्स नेम, यही ना। जनरेट पे मार देते, ओपन है, आइए खुद ब खुद। अब किसी ने ये लिखा, अ फॉर्च्यून टेलिंग शिबू रीडिंग यूर फैट, इन्हें ये लिखा और ये आ गया राक्स के लोगो। और ये जो लोगो इसने गूगल से निकाल के नहीं दिए, इसने कोई भी लोगो निकाल के नहीं दिया आपको कि भाई ये गूगल पे गया, इसने लिखा राक्स और लोगो निकाल, नहीं, ये इसने खुद बनाया है, खुद सोच के बनाया है। इतनी जल्दी AI है ना, ओपन AI, आप कुछ भी बोल दो। मैं इधर ये बोलता हूँ, इसको छोड़ो, मैं बोल देता हूँ स्नोफॉल ऑन शाही मस्जिद लाहौर, लगाओ। अब इसको नहीं पता ये क्या करेगा, अब ये करता क्या है इस चीज़ को देखते हैं। ये खुद जाता है गूगल पर, चीज़ें सर्च करता है, अच्छा शाही मस्जिद कैसी होती है ढूंढता है, फिर तक वो कैसी होती है ढूंढता है, फिर उनको ला के इस पर बारिश कर दी इसने। इस पर क्या कर दिया इसने, वो स्नोफॉल, यानी कि मैंने जो चीज़ इसको बोली थी कि भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, वो बर्फ़ गिरानी है, इसने बर्फ़ गिरा दी, देखो बिल्कुल ऐसे बर्फ़ जैसा। दोबारा जनरेट का बोला है, नई नई बन इमेजेस बना के देगा आपको। कोई भी इस टाइप की चीज़ बनानी हो, यहाँ पर आओ, लिखो भाई ये चीज़ बना दो, ऑन द स्पॉट आपको बना के दे देगा। स्केच बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये देखो ऐसा लग रहा है ये असल में यहाँ बाहर बर्फ़बारी हुई थी शाही मस्जिद में। अब वो लाहौर में किधर, इतनी कहाँ से होती है लाहौर में बर्फ़बारी यार, और वो भी इतनी। ये क्या करता है, देखो ये गया गूगल पे शाही मस्जिद निकाली, इसने साइड पे रख दी अपनी ग्राफिक, फिर ये गया गूगल पे ढूंढी स्नोफॉल कैसी होती है, बर्फ कैसे गिरी, वो उन दोनों का मिक्सचर मिला के उसको जो समझ आया उसने वो बना दिया। अब इसको जो चीज हम बोलेंगे ना वो बना देगा। कोई चीज एग्जांपल दो, कोई भाई कोई एग्जांपल दो, कुछ आ रहा है ऐसी एग्जांपल बनवाने के लिए, हाँ चलो एक मिनट, कार फ्लोटिंग, कार फ्लोटिंग ऑन सी, समंदर में कार को डाल के देख लेते हैं। अरे अच्छा, आपको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ये रिसर्च सिस्टम है। अब ये बहुत पावरफुल है भाई, आप कोई भी चीज़ इसको दें चेंज कर दें। अब इसने क्या किया मैं बताता हूँ, इसने गया समंदर ढूंढा कैसा होता है, जाके इसने देखा कार कैसी होती, कार को उठाया समंदर से मिलाया और फेंक दिया यहाँ पे। ये कोई भी चीज़ बना सकता है, कुछ भी। एक मिनट, सुपरमैन होता है नहीं नहीं बेटा, सुपरमैन की स्पेलिंग क्या, SUPER, सुपर SO है, सुपरमैन इन ब्लू ड्रेस, कुछ भी लिख दो,
सुपरमैन ही रहे। अरे ब्लू ड्रेस करना था, ये क्या कर दिया। अच्छा वैसे सुपरमैन का ड्रेस ब्लू ही होता है ना, और कोई कलर बोलो इन ये। हाँ हाँ चलो, सुपरमैन इन ब्लू शर्ट एंड, एक मिनट, ब्लू शर्ट एंड रेड लुंगी। चेक करते हैं, देखते हैं ये क्या बना के देता है। ये देखो किसी ने लिखा 3D रेंडर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वॉकिंग ऑन अ ग्रीन डेजर्ट। ग्रीन डेजर्ट पर जो है वो सुपरमैन। आप देखो किसी भी इससे खुद बना के, इसने देखा सुपरमैन कैसा है, उठाया कुछ ना कुछ करके लगा के दे दिया। बस ऐसा ही है, ये आपके बहुत काम आ सकता है। छोटे मोटे आपको कोई भी चीज़ बनानी हो फटाफट से, आप इसको आए यहाँ पर आके बोले और बता देंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ मेक अ पोस्टर फॉर वॉलेट सेल फॉर 50% ऑफ। ये लगा देता हूँ मैंने वॉलेट की। अच्छा फोर, अरे 50% सेल नहीं लिखा, वर्डिंग बस मैंने थोड़े से जज्बात में लिख दिया जल्दी जल्दी। तो इसको आप थोड़ा बहुत यूज़ करें, ये इसने लोगों। और ये एक और बात, ये नहीं है कि कहीं से उठा के दिया, ये डिज़ाइन कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलने वाला, ये इसने बनाया है, समझ रहे हो बात। हाँ हाँ, हर चीज़ का तबाही मचा दी है इन लोगों ने। AI चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई ये तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी फास्ट है कि जैसे आप पहले, यार अभी ये चीज़ आपको मुश्किल लगती है, यार ये कैसे बना के देता है, तो आज बहुत आसान है। गूगल के ऊपर ऐसे ऑन करो मोबाइल, तो जो बोलो आप लिख के दे देते। हाँ मे का लोगो फॉर, एक मिनट, अपलोड से भी किसी की पिक्चर है यहाँ पे, यहाँ वो भी देता है। एक मिनट, चेंज माय क्लोथ टू रेड कलर, ऐसा कुछ है। अपलोड में आता है इस पर सरप्राइज मी पे क्या है, ये क्या है, नेक्स्ट टू, ये खुद दे रहा है सनलाइट इंडोर लॉर एरिया एंड पूल विद क्लियर वाटर एंड अनदर। सरप्राइज मी लगाया, ये खुद ब खुद कुछ देगा। ये मैंने लगा था शाहरुख खान वो डांसिंग इन कराची स्ट्रीट। ये तो इसने वैसे ही बना के दे दिया जो चीज़ को बोलो। देखो अगर मैं यहाँ आता हूँ अपलोड पे जाता हूँ, एक बच्चे की मैन जो काम की चीज़ है वो ढूंढने की हम कोशिश करते हैं ना। बच्चे की फ़ोटो है, यहाँ आता हूँ पहले लिख देता हूँ, क्या कह रहे हो, किसके घर का, चेंज, एक मिनट, चेंज इस पहले, चेंज माय क्लोथ कलर, अपलोड पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे, यहाँ भी नहीं, बच्चे की फ़ोटो थी ये रही। स्किप क्रॉपिंग, और कुछ लिखना है यहाँ पे, डाउनलोड दे रहा है ये तो नहीं, एडिट इमेज दे रहा है ये, अपलोड किस तरह से करता है मुझे याद नहीं आ रहा। चेंज क्लोथ कलर, अपलोड पे जाके कहीं से करता था, अपलोड पर आया और सिर्फ ये देखना है मुझे, क्रॉप इट, जनरेट वेरिएशंस, एडिट इमेज नहीं, खुद वेरिएशन करके दे रहा है मेरे ख्याल है। जो मैंने लिखा है कलर वगैरह वो नहीं दे रहा, खुद दे रहा है। चेक करते हैं क्या वेरिएशन करता है इसमें। अ पेंसिल एंड वाटर कलर, ओरिजिनल वेरिएशंस कर दिए। ये कोई बंदे हैं नहीं, ये कोई बंदा है नहीं रियल में, इसने क्या किया इसको खुद ब खुद कलर करके दे दिए। हाँ खुद ब खुद चेंजिंग करता है हर चीज़ के अंदर, जनरेट वेरिएशंस में जाके खुद ब खुद वेरिएशन देता है आर्ट। हाँ बस ऐसे ही बना दिए, ये तुझ पे चला गया। कौन सा, चलो पबजी लोगो मेक, एक मिनट, मेक आ पबजी
लोगो डेविल के नाम से हो। विद डेविल नेम। अब यहाँ वर्डिंग थोड़ी सी है, इसको प्रॉपर लिख दो तो ये समझ जाता है आपकी बात। मेक अ पबजी लोगो फॉर मी विद डेविल नेम। पंगी पुंगी पता नहीं क्या क्या लिख दिया। पुगली मैंने तो सही लिखा है वैसे, पबजी देखो खुद बना। हाँ वो वही ना, मैंने कहा कि ये वहाँ जाता है, नाम उठाता है, दोनों का मिक्सचर बनाता है और ला के दे देता है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास जनरेट करने के लिए हैं। आप यहाँ से जाके काफ़ी सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। क्या डाउनलोड पे ये यहाँ आया, डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे हो जाएगा। और वेरिएशंस भी देता है, यहाँ चले जाओ वेरिएशंस पे। अब जो लोगों पसंद आया उसी को वेरिएशन दिए उसी के अंदर, और वन टाइम जो दे दिया ऐसा नहीं है कि वो दे दिया, आप दोबारा जनरेट करो दोबारा उसको और नए स्टाइल में करेगा। अब साइज तो यही रहेगा, साइज तो जैसा है वैसा ही देगा। लोगो बोला है तो लोगो साइज का देगा, पोस्टर बोलोगे पोस्टर देगा, और साइज की निकाल लो। साइज तो पूरा फुल साइज दे रहा है। आप वाइड इमेज लिख दो, मेक अ वाइड इमेज ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे दे दो। अब ये वाइड साइज में लेगा या उसमें लेगा ये देखना पड़ेगा। वाइड इमेज दे देता है। अच्छा साइज ये नॉर्मली यही रख रहा है साइज इस पर, क्योंकि जितनी भी मैंने अब तक इमेजेस देखे हैं सबका साइज ये यही उठाता है सेम जो एक्चुअल साइज है। ठीक है भाई, ये आपके पास है एआई, इसका इस्तेमाल करना। वरना चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी बहुत फास्ट चीज़ चल रही है अगर ऑन हो अभी मेरे पास भाई। ये एक तो आउट कर दूँ, फेल हो गया। अच्छा नहीं भाई, अब देखते हैं ये ओपन है या नहीं है चैट जीपीटी। हाँ चल गया, ज़माने बाद आज ऑन हुआ है, डन भाई। ये चैट जीपीटी बहुत औसम चीज़ है, इसको जो बोलोगे बना के दे देगा, जो भी बोलोगे। अब ये सिर्फ टेक्सचर फॉर्म में बना के देगा, किस फॉर्म में बना देगा, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर। इससे जो बात पूछोगे एक एक चीज़ हर चीज़ का काम करके देगा। किसी चीज़ का सॉल्यूशन मांगोगे वो बना के दे देगा। आपको कोई ऐसे चाहिए, बिलफर आपको कोई काम मिला है भाई, राइट एंड, या मैं बोल देता हूँ मेरे दोस्त की बर्थडे, ठीक है, सुभान की बर्थडे और मुझे इसको विश करना है। आई वॉन्ट मेक अ बर्थडे विश विश फॉर माई स्टूडेंट सुभान सुभान एंड ऑल्सो एड प्रेयर्स फॉर हिज फ्यूचर सुभान। स्टूडेंट नेम सुभान, सुभान शाह ना शाह, फ्रॉम टीचर बिलाल एसआईडी सिद्दीक। अब किसी को भी बर्थडे वड्डे विश करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जाओ बस इसको बोलो भाई बना दे। ऑफ कोर्स आई कुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, हैप्पी बर्थडे सुभान शाह, ऑन स्पेशल डे आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस सक्सेस एंड फुलफिलमेंट इन वर्ड। ठक सब दे दिया इसने, दुआएं भी देगा एज योर टीचर फलाना ढिमकाना पूरी। हाँ हाँ ये तो ऐसे दे रहा है ना, ये सुभान शाह मे दिस योर बेस्ट, ये दे दिया इसने। अगर मैं बोलूँ ना यार मज़ा नहीं आया दोबारा जनरेट करो, दोबारा जनरेट भी कर देगा ये, ठीक है। हाँ रीजनरेट भी करके दे देता है। हाँ ये दे दिया ना रेडीमेड पूरा। अरे कायदे आज़म पे ऐसे मेक अ सॉन्ग फॉर मी वो भी बना के दे देगा, कुछ भी जो चीज़ बोलो ना हर चीज़ बना के दे। मैं बोलता था हाँ अगर अगर मैं इसको बोलूँ ना, एक मिनट ये चीज़ कॉपी करता हूँ, ये इतना लंबा मैसेज है, मेक अ कंसाइज कंसाइज नहीं उर्दू भी, उर्दू में लिखो उर्दू में जवाब देता है। हाँ उर्दू में देखो हाँ पहले ट्रांसलेट से वो, क्योंकि यहाँ उर्दू लिख नहीं सकता मैं। विश
विश, एक मिनट। हो गया, इसको कॉपी किया, राइट अ बर्थडे मैसेज। राइट अ बर्थडे विश फ्रॉम स्टूडेंट। आ गया ये। अब देखो हर चीज़ बताएगा, हर चीज़। इससे सवाल जवाब पूछो ये। अब देखो कंसाइज मैसेज लिखा, छोटा मैसेज कर, मेरा नाम भी ले लिया देखो, फ्रॉम बिलाल सिद्दीक और हैप्पी बर्थडे ये लिख दिया। अब देखो हर चीज़ बताएगा, हर चीज़ बताता है। हाँ हाँ वो तो पेज ट्रांसलेट हो जाएगा ना। नहीं नहीं देता है, उर्दू भी हर चीज़ देता है। हम इससे उर्दू में कुछ भी पूछते हैं वो लिख के दे देता है जी। बशमूल बरकत में आपके तालिबे इलम सुभान शाह के लिए सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान शाह आपके, ये पूरा साल लगा देगा इसको लिखने में। ठीक है ऐसे स्टॉप जनरेटिंग कर। हाँ हाँ वो अभी मैंने स्टॉप किया, फिर भी बहुत तेज़ लिखता है। अरे भाई यही नहीं है, मैंने लीव लिखनी है कुछ भी। ठीक है राइट अ लीव फॉर टू डेज टू माई इंस्टीट्यूट सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। That I am not fine. Yeah, I am suffering from femur. ये चीज़ आप इसको बताओगे। आप देखो बस बस थोड़ी सी आपको अपनी लाइनें, दो लाइनें लिख के समझा दो। श्योर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर टू डेज लीव सर और मैडम, जो भी। अगर मैं सर वसीम बताता वो भी लिख देता। I am writing to request leave of absence from Sufa Computer Education for the next 2 days as I am currently suffering from fever due to my condition and unable to attend. ये छोटा भी लिख देगा, ये हर काम कर देगा। कंसाइज लिख दो, बस एक वर्ड ऐड करना है आपने यहाँ कंसाइज का। राइट अ कंसाइज लीव, राइट अ कंसाइज लीव। अरे कंसाइज की स्पेलिंग गलत लिखी है, कंकाइज लिख दिया। हाँ खैर हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं मैंने कौन सा परफेक्ट लिखना है। योर नेम, अपना नाम लिख दो। मैंने नाम नहीं बताया अपना, वरना नाम भी बता देता सब। योर कोर्स एंड इंस्टीट्यूट ग्रांट मी लीव फॉर डेट टू डेट एंड केयर टेकर। हर चीज़ देख लो। अब ये जो भी लिखता है बस लिख के दे देगा पूरा। अब ये नहीं बताओ ना, ये बता दो लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, योर सिंसियरली लिख के दे दिया। अब फ़र्क है देखो, हर एक के अंदर डिफरेंस है कि भाई मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो किस लिहाज से बता रहा हूँ। आपके बताने के ऊपर है, आप जो चीज़ जैसे बताओगे ना वैसे बना के देगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आपको समझाएगा। अभी इधर देखो, मैं लिख दूँ ना, मेक मी जॉय, मुझे खुश कर दो, या हंसने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ। अब ये भी बोल सकता हूँ। अब देखो पहले उर्दू में लिखता हूँ, मुझे हंसाओ। अब देखो ये क्या करेगा, वो इंग्लिश में फिर वो लिख के देगा लतीफ़ा, अब उर्दू में लिख के देगा। श्योर, अच्छा ये अभी इंग्लिश में ही लिख के दे दिया वैसे। श्योर हेयर रिस्पेक्टेड, अरे ये क्या है, अच्छा ये अभी वही चल रहा है मेरे ख्याल है, मैंने अभी तक ये वाला इंटर हुआ ही नहीं है, ये अभी इंटर होगा, मुझे हंसाओ। हाँ वॉइस में अभी तक नहीं है, वॉइस वाला फीचर भी ये जल्द ऐड कर ही देंगे। आप देखो ये क्या कर रहा है, सोच रहा है कोई जोक ढूंढेगा, सही थका हुआ। माजरत चाहता हूँ फिलहाल बिजी है मेरी जिम्मेदारी। आपको खुश
करना है, मदद की मदद करना है। क्या आप किसी को ले कर तंग या किसी बात पर फिक्रमंद है? मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। ये कौन सी चीज़ है भाई? मेक मी जॉय। अब देखो क्या बोलता है। ये बहुत आला चीज़ है, इससे जितना आप बहुत फायदा। अब देखो इसने आके ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। मैं आपको बताता हूँ क्या आसान कर दिया। आप लोग हंस रहे हो कि क्या काम किया। देखो मैं आया यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैं क्या बनाऊँ। जैसे चल जा भाई लिंक्डइन, अबे यार हर चीज़ के लिए तो ये जो है हर चीज़। कोर्सेरा के लिए अप्लाई करना है फ़ौरन से भाई, मुझे एक वो ऐड के लिए अप्लाई करना है, लिख के दो, फटाक से लिख के देगा। मैंने इसको जाके बोला कन्फर्म, मैं स्किप कर भाई फ़िलहाल, बाद में कन्फर्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ आया, ये सब इसने बता दिया क्या क्या लिखना है। मैंने कहा मुझे ये चीज़ें आती है, इसने ये सब बता दिया। फिर मैंने कहा यार मैं एज अ वेबसाइट डेवलपर हूँ, मुझे अपने लिंक्डइन के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ, लिख के दे दो। इसने इतना बड़ा लिख के दे दिया एज अ मॉन्स्टर। मैंने अपनी स्किल बताई, इसने खुद यूज़ किया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, पूरा ए टू जेड काम करके दे देता है हर चीज़। जो इसको आप बोलो ए टू जेड पूरा काम कंप्लीट करके देगा। मैं बहुत खुशी की हालत में हूँ कि आप होना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप दिन तक पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि लिखता हूँ बिलफर्स मेक अ वेब वेबसाइट मेक अ सिंगल पेज वेबसाइट फॉर मी यूजिंग इनर इंटरनल सीएसएस एंड एचटीएमएल। अब देखो जरा, मैंने कहा इसको मेक अ सिंगल पेज ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर मी, ये क्या लिख दे, सिंग लिख दिया वरना, आई एम सॉरी बट एज एन आई से मोड मॉडल आई एम नॉट एबल टू क्रिएट वेबसाइट्स और जनरेट। अच्छा मेक आने क्रिएट, सॉरी राइट अ कोड ऑफ ए, मैं स्टॉप कराऊंगा इसको, इतना लंबा नहीं। मैं कॉमर्स सी ओ राइट अ, मैं बोलता हूँ इसको भाई ई कॉमर्स की एक वेबसाइट ही बना के दे दे, देखते हैं क्या बना के देते हैं। राइट अ कोड ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट using html and in अब देखते हैं क्या करता है ये। अरे ये क्यों नहीं बना के दे रहा, वैसे तो पूरी वो जनरेट करके देता है। जनरेट अ कोड ये बनाना शुरू कर दिया, वो पहले वाले का दे रहा। Here is a simple code to get you started. बना के दे दिया इसने यहाँ, ये वेबसाइट बना रहा है। अभी देखते जाओ ना, देखते हैं नैब बार बना रहा है, ये बना रहा है, कलर दे रहा है। हाँ ये वेबसाइट बना के दे रहा है, अभी देखना मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। भाई ये तो ऐसा आला काम करके दे रहा है ना कि बाकी सारे काम छोड़ने पड़ो। नहीं 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 नहीं, ये खुद प्रोग्रामिंग से चल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं प्रोग्रामिंग ही नहीं सीखनी चाहिए। इसने अभी तक यहाँ तक बनाया, अभी पूरा कंप्लीट करेगा। प्रोडक्ट बटन, बटन प्रोडक्ट, हॉवर, फुटर, अभी देखते हैं क्या बना के दे रहा है ये। स्टाइल, हेडर, बॉडी, ओए होए अभी तक तो सीएसएस लिखी थी इंटरनल, अभी देखते हैं वन कोड के अंदर ये। मैं जब तक वहाँ फाइल बना लेता हूँ, हाँ हाँ प्रोग्रामिंग कर रहा है, इसको रन करूँगा मैं, चला के दिखाऊँगा आपको, देखो चल जाएगी। ये मैं सिखाता हूँ, हलवा थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा सब डाल लिया, ये भी डाल लिया, वो भी डाल लिया। अच्छा प्रोडक्ट वगैरह भी शुरू कर दिया इसने, सेक्शन भी बना रहा है, मेंस क्लोथिंग का सेक्शन भी बना रहा है,
अब देखते हैं 2 मिनट में ये इतना कुछ लिख तो रहा है, ये बना के क्या देगा, क्या लगता है कैसी बना के देगा। हो गया, स्टॉप कर दिया इसने। इज ही फिनिश्ड? नहीं यार, अभी तक तो चल रहा है, अभी तो इतने पे इसका कोड नहीं फिनिश हुआ। हो गया, कॉपी करते हैं इसका कोड, यहाँ आते हैं पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसने यहाँ एंड किया H3 पर, और ये इसने बीच में छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को इसने यहाँ ड्रॉप किया। और मैं यहाँ आता हूँ, इसने बॉडी तक छोड़ा है, मैं भी बॉडी तक बना देता हूँ। बॉडी अब ज़रा देखते हैं इसका कोड क्या किया है इसने, क्या बनाया है इसने। अब ज़रा देखते हैं इसका कोड रन करके देखते हैं ये बना क्या रहा था। लगा हुआ तो था इतना कुछ करने के लिए। वाव, काम कर दिया इसने। देखो, ये एक वेबसाइट इसने बना दी है एक सिंगल पेज की, और इसने पिक्चर नहीं डाली इसमें। अगर हम पिक्चर भी डाल देते हैं, JPG प्रोडक्ट इमेज, मैं एक काम करता हूँ अभी पिक्चर डालता हूँ इसके अंदर। इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पर, और इतनी प्रोग्रामिंग तो हम भी जानते हैं। इसने 2 ही प्रोडक्ट डाली है ना अभी तक, तो क्या बनाया था इसने, इसने ये बनाया था, ये बना चुका है, ऐड टू कार्ड का बटन भी, इमेज भी। तो ये फटाफट से इमेज भी बना के छोटी बहुत आपको काफ़ी सारी चीज़ें ChatGPT सिखा देगा। तो इस ChatGPT पे थोड़ा सा हाथ साफ करो, जहाँ प्रॉब्लम हो आपको, जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा वो यहाँ पे लिखो, ये आपको लाजमी बता देगा, और लाइन बाय लाइन चीज़ें सिखा देगा। सेटिंग में जाओ, यहाँ जाओ, वो जाओ, एक एक चीज़। आपको विंडो करने नहीं आती, हाउ टू डू इंस्टॉल विंडो इन कंप्यूटर, वो बता देगा लाइन से, स्टेप बाय स्टेप आपको। और जो चीज़ यहाँ से पढ़ने के हवाले से जितनी सर्चिंग करनी है ना, आप इसको दे दो। कोई मैथ का सवाल उठा के दे दो, उसका सॉल्यूशन दे देगा। कोई MCQs दे दो, उसका सॉल्यूशन दे देगा। तो जो भी चीज़ यहाँ पर दोगे, MCQs पर आ जाते हैं। गूगल पर आता हूँ मैं, लिख देता हूँ मैथ क्वेश्चन। नकल करने के लिए ही तू बस लगा रहे, नकल करने के तेरे लिए तेरा दिमाग चल रहा होता है। नकल करने के लिए आपके से विच इज़ ग्रेटर देन, ये दे रहा है। चलो यहाँ ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा कॉपी करता हूँ ChatGPT से, पूछते हैं अभी, देखते हैं ChatGPT को ये पता है या नहीं। चल भाई, द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग इज ए इज -1 सिंस इट इज नेगेटिव नंबर एंड इट इज। आंसर भी दिया और ये भी बताया कि इसका आंसर ये है क्यों। और कोई भी सवाल यहाँ से, इसका -1 इसने बता दिया। देखो, और कोई भी सवाल यहाँ से उठा लो, ये देखो, हाँ ChatGPT से हेल्प लेकर कर सकते हो आप लोग पूरा। ये देखो यहाँ, ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई इसको बाय इसके, ये देखो अभी कैसे करता है। इधर देखो, फर्स्ट आउटर इनर, ओए होए, टुगेदर आंसर तक ले जाएगा ये। सिंप्लीफाई मिड टर्म्स, देयरफॉर द आंसर इज, सॉल्व कर दिया, आंसर है x² + x - 20, ये इसका आंसर है इस इक्वेशन में। हाँ नहीं, ऐप नहीं है इसकी अभी तक, फिलहाल यही है। न्यूमेरिकल भी पूरे सॉल्व कर देता है, बिलफर मैं बोल देता हूँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार which cover a distance of 10 kilometer in 10 किलोमीटर कितनी देर में, 2 मिनट में कर देता हूँ, या 5, कितने सेकंड बन जाएंगे, 20 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार इन मीटर पर सेकंड।
एक गाड़ी है जो कि इसकी कार की स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकंड में, जो कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर 20 मिनट में कवर कर रही है। अब देखते हैं क्या स्पीड देता है, ये खुद सॉल्व करके देगा न्यूमेरिकल। व्हाट इज दिस, वी कैन फर्स्ट कन्वर्ट द डिस्टेंस। अब इसने बताया भाई आपने, हाँ तकरीबन 12 से पूरा, हाँ हाँ पूरा बता देगा, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देगा जो चीज पूछोगे ना। 8.33 मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड, यही है ना, यही तो बता रहा है। द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड 8.33 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड में इतना कर रही है, तब जाके इतने सेकंड्स के अंदर ये इतने कन्वर्जन करेगा। तो इससे पूरा आप न्यूमेरिकल्स अपने सॉल्व करने हो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और ओपन एआई बेटा, ओपन एआई के अभी फिलहाल 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, इनके और भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो इन चीज़ों को सर्च करो, ठीक है। जितना ज़्यादा इनको सर्च करते रहोगे, देखो आप लोगों को फालतू चीज़ें पता होगी, पबजी निकलेगा तो वो सारा पता होगा आप लोगों को, और कुछ निकला अरे पबजी में नई गन आ गई, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी आप लोगों को। इनको सर्च करो, ढूंढो, इनको इस्तेमाल करो, तभी आप ये पढ़ने में आप, अब देखो अभी बताया तो बच्चों के जहन में आ गया यार नकल करेंगे इससे पेपर में पूरा पेपर। अबे भाई पढ़ने के लिए करो। देखो एक बच्चा घर में लगा हुआ है, सवाल सॉल्व कर रहा है, नहीं हो रहा, टीचर नहीं है कोई, क्या करे? चैट जीपीटी पे आए, सर्च करें, मिल गया, अब ये नहीं मिल गया छाप ले, मिल गया समझे भाई, इसको बोलो ना कि ये न्यूमेरिकल मुझे समझाओ एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन, तो स्टेप बाय स्टेप बताता है, फर्स्ट मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, नहीं समझा उर्दू में बोलो, उर्दू में समझाएगा भाई। लिखे बेशक लिख दिया ना, तुझे तेज लिखता है तो लिख दिया ना, स्पीड थोड़ी लगे, टीचर थोड़ी खड़ा है कि बेटा जल्दी लिख मिटा दूंगा, यहाँ लिखा है, ये क्या मिटा, लिख के मिटा दिया इसने, तो ये पूरा आपके पास न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ आ गया, आप इसको सॉल्व करो, तैयारी करो। वेबसाइट पर सिंपल है बेटा, यहाँ आओ चैट जीपीटी पे, आप गूगल पर आओ, चैट जीपीटी लिखो, यहाँ ओपन करो, जैसे नॉर्मल गूगल का अकाउंट होता है ना वो वैसे ही बोलेगा एपीआई में, जैसे अभी ये लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है ट्राई चैट जीपीटी, जाओ तो अभी मेरे पास तो एक अकाउंट ओपन है, दोबारा दूसरा दे दिया इसने, ठीक है। आपके पास लॉगिन के लिए बोलेगा किस अकाउंट से लॉगिन के लिए, आप गूगल अकाउंट क्लिक करना, लॉगिन करना। अच्छा कभी कभार बिजी जा रहा होता है ये, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में अब कितने सारे लोग यही यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ करने की वजह से ये लगातार क्या जा रहा है, बिजी जा रहा है, बिजी होने की वजह से आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। चैट जीपीटी है, और दूसरा लिख लो डाल ई टू, डी ई एल डी ए डबल एल ई टू, ये रहा, ये पिक्चर क्रिएटर है, जिस तरह की आपको पिक्चर चाहिए, कोई लोगो चाहिए, कोई पोस्टर चाहिए, जो चीज चाहिए आप इसको बोलो बना के दे देगा, जैसी चीज चाहिए आप बस अपने फीचर्स वीचर्स बता दो, पूरा हर कंटेंट, डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्या हो पिक्चर में राइट साइड पे मेरा लोगो लगा देना है, यहाँ ये कर देना, यहाँ ये कर, पूरा एक फॉर्म में फॉर्मेट में लिख लो अपने पास, लिख लिया वो ला के इसको दे दो, डिज़ाइनिंग का काम इसका है, ये बना के दे देगा। और लिखना भी नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, जाके चैट जीपीटी को बोलो भाई मुझे पोस्टर बनाना है, इमेज लगानी है, और ये करना है और फिलाना करना है, ठीक है डिज़ाइन थ्योरी के हिसाब से कुछ लिख के दे दे, वो बताएगा भाई ये कोई भाई कोई ब्रांड का नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, जाओ उसको बोलो मुझे सजेशन दो, सजेशन देगा आपको, हर चीज़ बताएगा। चैट जीपीटी से मैं पूछता हूँ ना, गिव मी अ सजेशन, गिव व्हाट आई कैन डू आफ्टर माय ग्रेजुएशन, अब मैंने ये लिख दिया मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई सजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर द वर्ल्ड इज योर आउटर साइड एंड देयर मेनी पाथ्स यू कैन टेक ग्रेजुएशन डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट स्किल्स कैरियर, पूरा एक बंदा जैसे आपको गाइडलाइन देता ना, ये पूरा पूरा नंबर वन ये बता रहा है स्टार्ट करो जॉब, लुक फॉर अ जॉब ओपनिंग दैट अलाइनमेंट, फिर बता रहा है परसुअर्स हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन की तरफ चले जाओ, भाई ये होता ग्रेजुएशन क्या क्या करूँ, हायर एजुकेशन की तरफ जाओ या जॉब की तरफ जाओ पूरी डिटेल में, या स्टार्ट योर ऑन बिजनेस अपना खुद का बिजनेस करो, जैसे एक इंसान आपको बताता है ये पूरी इसकी टेक्नोलॉजी ऐसे ही है। वॉलंटियर वॉलंटियर और इंटर्नियर बन जाओ, इंटर्नी बन जाओ मतलब आपने अगर किसी चीज़ में स्किल सीखी अभी आपको स्किल पूरी नहीं आती कहीं जाके
स्किल अपनी जो इंटर्नी बन जाओ वहाँ पे स्किल सीखो अपनी, तो ऐसे पूरी लाइन बाय लाइन देता है। और क्या बोल रहे थोड़े से आगे, ये भी इधर ट्रैवल, कंसिडर ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेसेस, अगर ऐसे हो आई एम फीलिंग बोर बता दो, इस टाइप की कुछ बता दो, ए टू जेड हर चीज़ के बारे में देगा। कोई भाई फैमिली इश्यूज भी हो जाके यहाँ पे पूछो भाई कैसे बिहेव करूँ। अब मैं बोलता हूँ बिल्वर आई एम वेरी एंग्री विद माय ब्रदर, आई वॉन्ट टू किल हिम, काइंडली गाइड मी एंड चेंज माय माइंड। आने वाले पेपर, फ्यूचर नहीं बताने वाला, शर्म कर ले, फ्यूचर बताएगा ये। ये सबसे पहले दिस कंटेंट माय वॉलंटियर कंटेंट पॉलिसी इफ यू बिलीव, आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर फीलिंग एंग्री विद योर ब्रदर, टू पॉइंट आउट वेटिंग हाउ एवर वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब देखो कितनी जबरदस्त बात कर रहा है, बोल रहा है हाउ एवर वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन। भाई गुस्सा करना या शोर शराबा करना कोई सॉल्यूशन हल थोड़ी होता टू एनी प्रॉब्लम, एंड इट कैन हैव सर्व लास्टिंग कन्विंसिव। फिर आगे बता रहा है इट एसेंशियल टू फाइंड अ हेल्थी एंड कंस्ट्रक्शन वे टू मैनेज योर एंगर एंड रिजॉल्व। अब लाइन बाय लाइन टेक अ ब्रेक, ब्रेक लो भाई, आइडेंटिटी अ रूट कॉज, वो सर्च करो कि जड़ कहाँ है जहाँ से वो चीज उठ रही है। फिर कम्युनिकेट, बात करो भाई जाके, जो भी मसला है उस जड़ को ने उठाओ ढूंढो और जाके बात करो। फिर सीख अ प्रोफेशनल हेल्प, किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से हेल्प लो, सारी चीज़ें बता। प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस, आखिर में बता माफ़ी मारने की प्रैक्टिस करो भाई, कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर गलती है तो। रिमेंबर एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन बट इट इज एसेंशियल टू फाइंड हेल्थी एंड कंस्ट्रक्टिव वेज टू मैनेज इट। सीक सपोर्ट, कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड फोकस फाइंडिंग सॉल्यूशन। ऐसे जैसे किसी का अब्बा जी नहीं समझा रहे होते, ऐसे बैठ के समझाता है। तो ये बहुत बहुत आला चीज है, इसको आगे कभी आप गुस्से में गाली लिख दो ना तो पता क्या बोलता है, बोलता है ये बहुत गलत बात है, इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए ये वो। बहुत एक बंदा आएगा बोलेगा यार ये क्या है, तबलीग शुरू कर देता है ये पूरा तरीके से, ये गलत है इससे। फिर आपका जहन वहाँ आगे बोलता है आप गाली दोगे तो आपके बच्चे भी उसके भी, जैसे एक बड़ा आदमी सिखाता है वैसे लाइन बाय लाइन से। लेकिन ये देखो एआई बनाई है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका आप फ़ायदा उठाओ भाई। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, टैक्स क्या होता है, स्टडी के हवाले से सोचो वट इज़ टैक्स। और तुम्हारा एक सवाल था What is tax? Why government take tax? Tax from here, from us. हाँ वही, इस पर यहाँ लिख के भेजो भाई, टैक्स क्या होता है मुझे बताओ, और गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेता है। टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट और बेनिफिट्स ऑफ टैक्स लिखो, बताएगा टैक्स के क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट में मसले, पार्लियामेंट आपको सुनते हो यार पार्लियामेंट होती है MNA, क्या होता है ये सब पूछो, बताएगा पूरी आपको पॉलिटिक्स पढ़ा देगा दो दिन में, मास्टर होके निकलोगे, डिग्री लेने की जरूरत नहीं, सब बताएगा। टैक्स आर ऑल्सो यूज रेगुलेट इकोनॉमी एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर, हर चीज के बारे में। ठीक है भाई अब हम चलते हैं, इस पर हमने बहुत टाइम लगा दिया। वैसे कल हमने एक क्लास के अंदर ही वर्ड के अंदर जो चीज़ें पढ़नी है वो बता दूँ हमने यहाँ तक। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंसर्ट में आ जाऊँ, हाँ ये आपको बताऊँगा, बुक मार्क्स, रेफरेंसेस और हमने फुटर हेडर तो पढ़ लिया था, पेज नंबर भी ऐड करना पढ़ लिया था, ठीक है। इक्वेशंस पढ़ा दूंगा, इक्वेशंस मैथ की किस तरीके से ऐड होती हैं इसमें, और इसके बाद यहाँ आता हूँ। डिज़ाइन में भी कोई इतनी बड़ी चीज़ें, वाटर मार्क पढ़े हमने नहीं, वाटर मार्क में पढ़ा दूंगा आपको। लेआउट पर आता हूँ, लेआउट में नहीं है, रेफरेंसेज में पढ़ाऊँगा, रेफरेंसेज में टेबल ऑफ कॉन्टेंट क्या होता है, इंटर ये इंसर्ट नोट क्या होता है, एंड नोट वगैरह पे कैसे लगता है ये, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, क्रॉस रेफरेंसेज क्या होते हैं, ये पूरा मैं पढ़ाऊँगा रेफरेंस। मेलिंग में क्या होता है, ये बहुत इजी है भाई, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, छोटी छोटी। फिर मेलिंग क्या होती है ये, बस ठीक है इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ है हाँ बस ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। और मैक्रोस बताना है, मैक्रोस ये, इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, मुलाकात करते हैं आपसे कल। अटेंडेंस लेते हैं सर, बुलाओ सर को, बोलो सर हमारी अटेंडेंस ले लें।
गलियां हम पक्की कर रहे होते हैं, गटर हम अपने खर्चे से साफ कर, ये इससे पूछो, इससे पूछो, ये हम अपने लेन के पेप गली में हमने खुद अपने पैसे से डलवाए।